ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर नस्ल भेदीय हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चर्च में पादरी पर हमले के बाद अब टैक्सी ड्राइवर को निशाना बनाया गया है। ताजा मामला तस्मानिया के एक रेस्तरों का है, जहां कुछ युवकों ने मैक्स जॉय के साथ मारपीट कर उस पर नस्लीय टिप्पणी की। हमलावरों ने कहा, यू ब्लडी इंडियन। केरल के रहने वाले भारतीय ली मैक्स जॉय पिछले 8 सालों से ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। जॉय ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो एक यात्रा से लौटने के बाद रेस्तरां में कॉफी पीने गए थे। तभी वहां 5 आरोपी स्टोर के अंदर एक कर्मी से बहस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जॉय की तरफ पड़ी तो वो उन्हीं से भिड़ गए। रेस्तरां में मौजूद लोगों ने जब पुलिस को फोन किया तो हमलावर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद हमलावर वापस लौटे और उन्होंने फिर मारपीट की। जॉय ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय से मामले में दखल देने को कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अधिकारियों की ओर से कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। पिछले दिनों नस्लीय हिंसा में मारे गए भारतीय इंजीनियर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से भी भारतीयों पर नस्ल भेदीय हमलों की खबरें सामने आने लगी है। यानी ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय सुरक्षित नहीं है। देखते रहिए डीबी लाइव।